हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड वीडियो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, जिसमें हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 800 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इनको लिखते जाए हम क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया आपका, एन दिया हुआ है 800 टर्न्स और उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। इट मीन्स आई इज गिवन 3.0 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनोइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एम। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आई ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब हम पढ़ रहे थे तभी इसी नाम से याद किया था, है ना। तो सोलेनोइड में क्या होता है, इसका सेंस क्या है, कहने का मतलब ये कैसे काम करेगा। तो आप लोग जानते हो सोलेनोइड ऐसा है ना, इस तरह की कोई को हम सोलेनोइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये इस तरह का है तो इसमें है नॉर्थ पोल इस साइड में होगा, है ना, ऐसे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल इस साइड में होगा तो ये यहां पर इस तरह की अंदर की साइड में साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बाहर में नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ पोल में अंदर जाती हुई इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। इसी तरह इधर से भी। तो बच्चों यहां पर पहली चीज इसका सेंस क्या है कि ये किस तरह बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो वेरी सिंपल, इट हैज बोथ द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, एंड वी हैव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग इन द साउथ पोल, एंड सो इट इज वर्किंग एज ए बार मैग्नेट, राइट। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, सो दैट कैन बी रिटन एज एम इज इक्वल टू एन आई ए, वेन एम इज 800, आई इज 3.0 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज अगेन गिवन 2.5 × 10⁻⁴। ठीक है, अच्छा तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये आ गया 7.5, राइट, 7.5 आ गया, और 7.5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 60। ओके, सो 60 एंड 00 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ और 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनोइड, सो वी कैन इजीली राइट इट। ठीक है, तो इस तरह हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, साफ कर दें इसको, लिखते जाओ, कंटिन्यू लिखते जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। वी आर डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी, है ना, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे एक एक सवाल देखेंगे, बट चीज एकदम से बढ़िया से क्लियर होनी चाहिए। जितना हमने किया है दैट इज एक्सट्रीमली ओके। इफ द सोलेनोइड इन एक्सरसाइज 5.5 इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन,
है ना, फ्री टू टर्न इन द वर्टिकल डायरेक्शन. यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड. क्या हुआ कि ये जो सोलेनोइड है इसको जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला था वो कितना निकाला था अभी अभी हमने 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था. तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि ये कह रहा है कि अब इसको हमने रख दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ रख दिया है जो बी की वैल्यू है 0.25 टेस्ला. क्लियर ना? यस यस. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनोइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड. बहुत बढ़िया. इसमें क्या है कि इसके बीच में ये ऐसे नहीं होकर, ये ऐसा नहीं होकर, कैसा है ये ऐसा नहीं होकर, थोड़ा सा ये ऐसे है, ये ऐसा है राइट. तो इसकी जो एक्सिस है वो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. सीधी सी सिंपल सी बात है कि एक्सिस जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना, तो इस पर टॉर्क लगेगा. ये कोशिश करेगा कि इसको अलाइन करूं मैं इसकी डायरेक्शन. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टॉर्क एंड दैट विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा. राइट और राइट और एम बी साइन थीटा. नाउ व्हाट इज एम? दैट इज 0.6. बी इज गिवन 0.25 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 बिकॉज एंगल इज 30 डिग्री बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट, वो तो एक्सिस का लाइन होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 150 आ गया और 1, 2, 3 यहां आ गया पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय हाफ. सो द वैल्यू ऑफ 0.075 आधा हो जाएगा ना, 0.075 and the ampere, sorry, newton meter torque and newton meter. So this will be the value of magnitude of torque applied to align, which is trying to align the solenoid to bring it in the direction of magnetic field. ऐसे कोशिश करते हैं, ठीक है. और ये टॉर्क यहाँ पर लगेगा. आई थिंक क्लियर, मजा आया? अच्छा ओके, साफ कर देते हैं. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. सिंपल वे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. धीरे 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 हम डीप एंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन करने के बाद ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि यहां से एग्जाम में आ जाए आपको ना आए. बाहर मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला. मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन हियर, दैट इज 1.5 जूल पर टेस्ला. बहुत बढ़िया. लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला. यानी बी आपको 0.22 टेस्ला दिया हुआ है जो उसी की वहीं पे अलाइन है, उसी डायरेक्शन में अलाइन है. पहला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन. अच्छा तो बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है. अब इसी में यहां पर एक बार मैग्नेट रखी हुई,
ये बार मैग्नेट यहाँ पर रखी हुई जिसकी डायरेक्शन यही है। अब क्या करना है, एक इसको सबसे पहले ऐसे परपेंडिकुलर लाने के लिए, परपेंडिकुलर लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए तो सीधा इसको ऐसे करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्च जो है वो कोशिश करेगा कि ये इसकी डायरेक्शन में रहे, बट हम इसके ऊपर वर्क करके इसको ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली अलाइन करना चाहेंगे। तो जो वर्क डन होगा, पहला ए जो है इसका वर्क डन, वर्क डन टू अलाइन इट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली या परपेंडिकुलर, हम क्या करें जो थीटा टू है वो कितना हो गया, दैट इज 90 डिग्री। यहां से यहां लाएंगे, फॉर्मूला सीधा सा है, वर्क डन फॉर परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू एम बी कॉस ऑफ थीटा टू थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, राइट। तो इसके अंदर पुट करते हैं, इसको इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज को सबको, डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.22 कॉस ऑफ थीटा वन, कितना है भाई बी और एम के बीच में, बी और एम के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। सो वी हैव व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी विल गेट 15 2 is 33 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0 डिग्री दैट इज 1 माइनस कॉस 90 डिग्री दैट इज 0। सो हियर वी गेट 0.33 इंटू 1 माइनस 0 1 दैट इज इक्वल टू 0.33 जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इसको इस तरह अलाइन करने के लिए, ठीक है ना। देखो एकदम सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई इश्यू यहां पर आने वाला नहीं है। इसका जो बी पार्ट है, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, यहां मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, दैट इज बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टॉर्क, नहीं इसका सेकंड है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो इस फील्ड के इसको हम पलट दें, यानी यहां पर थीटा टू है 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो डब्ल्यू वर्क डन टू रिवर्स द डायरेक्शन, यानी 180 डिग्री के लिए ऐसे है ना, इसको ऐसे कर देंगे है ना, पूरी तरह पलट देंगे। फॉर्मूला ये रहेगा एम बी कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट इज एम बी, एम बी की वैल्यू हमें पता है 0.33 है, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री, राइट। सो वेल यू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ कॉस 0 डिग्री दैट इज 1 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो मैं यहां पर वैल्यू रख दूंगा माइनस 1 की। सो वी विल गेट 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 दैट इज 2, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 बाय 0.33 सो वी विल गेट 0.66 जूल। सो वी हैव टू डू डबल द वर्क है ना, ऑलरेडी डन टू मेक परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर अलाइन करेंगे उससे डबल करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दैट, ठीक है ना। वर्क डन का पहला क्वेश्चन आया है तो आपको अलर्ट रहना है। इसी में एक और चीज दी हुई है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस फर्स्ट एंड सेकेंड, टॉर्क कितना होगा। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट विल बी द टॉर्क इन फर्स्ट, फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर कर, अब टॉर्क कितना होगा,
सो टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हम। एम बी की वैल्यू 0.33, एम बी की वैल्यू 0.33, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1, सो वी विल गेट 0.33 न्यूटन मीटर टॉर्क ऑन द इन द फर्स्ट केस। इन द सेकेंड केस मैं इसको साफ कर देता हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। सेकेंड केस में टॉर्क 180 डिग्री करने के लिए कितना आएगा, दैट इज एम बी साइन थीटा, एम बी इज 0.33 साइन ऑफ 180, सो द वैल्यू ऑफ साइन 180 इज 0, सो वी विल गेट 0 टॉर्क। ठीक है, 0 इसलिए क्योंकि वो एक तरह के किस पोजीशन में चला जाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, इसलिए वहां पर टॉर्क नहीं लगेगा, सो इट इज 0। सो इन दिस वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, बहुत बढ़िया से हो गया क्वेश्चन, चलो वेरी गुड, नोट कर लिया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया, एक एक चीज क्लियर करते जाओ, बहुत सारा एक साथ पढ़ोगे तो नहीं इधर के रहोगे ना उधर के, है ना। हाँ, मैं घर का ना घाट का तो नहीं बोलूंगा, बट इधर उधर के कहीं पे नहीं रहोगे। ठीक है, ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 2000 टर्न्स, यानी एन हमें दिया हुआ है, एन इज गिवन 2000 टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज अगेन गिवन, दैट इज 1.6 इनटू 10^-4 मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई इज गिवन दैट इज 4.0 एम्पियर, इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो टर्न हो सकता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड, सबसे पहले हमें एम फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सोलेनोइड इफ यूनिफॉर्म मैग्नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ट बाय सेट ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट तो बहुत आसान रास्ता है, एन आई ए लगा दो इसमें, एन इज 2000, आई फॉर 4 एंड ए इज 1.6 इंटू 10^-4। तो इन बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टू जे 8, 8 को इससे करेंगे तो 128, यस, सो दिस इज 128 और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक के बाद 30 यहाँ है या -4 है तो 10^-1 बच गया। इसको और करेंगे तो 1.28 मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 1.28 एम्पियर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, नॉट पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ वी टेक द सेकंड, दिस वन इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी टेक बी, फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनोइड। ठीक है, बी इज गिवन, बी कितना दिया हुआ है बच्चों, बी इज गिवन 7.5 इंटू 10^-2 -2 टेस्ला और एंगल इज गिवन दैट इज 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द टॉर्क, सो टॉर्क विल बी एम बी साइन थीटा। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब इसके अंदर कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए आपको, है ना, सो एम बी साइन थीटा, सो एम कितना आ गया यहाँ पर, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट 1.28
मल्टीप्लाइड बाय 7.5 इनटू 10 टू पावर माइनस 2 साइन ऑफ 30 डिग्री. सो वी हैव साइन 30 डिग्री इज हाफ, हाफ को इससे करेंगे तो 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 और ये आ जाए आपका 10 टू पावर 2 मींस 100 साइन 30 का तो हाफ आ गया ना, कैंसिल आउट हो गया. कर लो इसको कैलकुलेट, है ना, इसको कैलकुलेट कर लो. तो ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 को 2 से करेंगे 30 0 दैट इज 3 और 45 प्लस 3 48 अपॉन 100 और यहां पर पॉइंट लगेगा यहां आके, ठीक है. तो ये हो जाएगा बच्चों आपका यहां, ये यहां लगेगा ओके. और जब ये ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर. सो दिस विल बी द टॉर्क ऑन द सॉलिड, ठीक है, समझ में आ गई. इसको इसको मल्टीप्लाई किया 4.8 आ गया तो हम क्यों 100 को यूज करें, ठीक है, दिस इज द वे. अब मान लीजिए इसमें एक सवाल और पूछा है यहाँ पर, फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा. तो बच्चों जैसे टॉर्क आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब फोर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म. अगर वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब जो उसके ऊपर किसी भी बार मैग्नेट पे जो फोर्स लगेगा, है ना, जो उसको किसी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मजबूर करेगा वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्म में नहीं होगा. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जरूर वो उसको इधर से उधर बार मैग्नेट वहां पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी. सो फोर्स विल बी इम्प्लीटेड ओनली इन द कंडीशन व्हेन देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली रिटन दैट There is uniform magnetic field. So we can easily say that this will be the force applied on the solenoid or bar magnet that is completely zero. ठीक है ना, हाँ वो वहां पर force zero. तो ये इस तरह कुछ मिला करके कौन सा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन था. तो हम 8th क्वेश्चन तक हमने कर लिया, राइट. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर वेयर वी विल हैव 15 क्वेश्चंस और 14 क्वेश्चंस. वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय.